नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाचक। बिहारावर में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एनटीपीसी में 27 मेडिकल स्पेशलिस्ट और 20 असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए आवेदन। एनटीपीसी में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर जी। एनटीपीसी लिमिटेड ने 27 मेडिकल स्पेशलिस्ट और 20 असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही 2 सितंबर 2021 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार ने अपने आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से लेकर आवेदन करते। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को एनटीपीसी लिमिटेड की भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ntpccareer.net पर विजिट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए समय 300 रुपये का प्रति आवेदन शुल्क भी भरना होगा। SC ST दिव्यांग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं भरना है। सीमा सुरक्षा बल में 7,545 कांस्टेबल की भर्ती। सीमा सुरक्षा बल में 7,000 से अधिक कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 31 अगस्त 2021 को समाप्त होने जा रही है। आपको बता दें कि BSF में 7,545 पदों को लेकर अब केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों और सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल और असम राइफल्स में भी राइफलमैन के कुल 25,271 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कर्मचारी सहयोग के साथ आयोजित की जानी। सभी आप पदों के लिए आवेदन हो जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर आवेदन के उम्मीदवार को SC और ऑफिशियल वेबसाइट sc.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए लॉगिन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके और फिर नए पेज लेकर अपने विवरण को भरकर पंजीकरण करना होगा। हालांकि ऑफलाइन भी शुल्क जमा किया जा सकता है, जिसके लिए उम्मीदवार को 4 सितंबर तक बैंक चालान SC/ST की वेबसाइट से जनरेट करना होगा। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक स्कूटनी परीक्षा की मार्कशीट और प्रोविजन सर्टिफिकेट जारी। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 स्कूटनी के मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट तथा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के स्कूटनी विशेष ग्रेस अंक से उत्तीर्ण विद्यार्थी से संबंधित मार्कशीट और प्रोविजन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार इंटर मैट्रिक परीक्षा के लिए सर्टिफिकेट सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ही कार्यालय में विवरण हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर दे रही है दस्तक। नए केस में 40,000 के पार। कोरोना की दूसरी लहर से लंबे समय से राहत जैसी स्थिति बनी, लेकिन एक और फिर से आहत बढ़ती देखती जा रही। महज एक दिन में भी फिर से 40,000 से ज्यादा नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,658 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते जा रही है। 3,40,899 के साथ ही नए केस सामने से बढ़ोतरी एक्टिव केस में 1.06% हो गई है, जो इसी हफ्ते की शुरुआत में 1% से भी कम हो गया। अब यही नहीं, इसके चलते रिकवरी रेट में भी कमी पाई गई है, अब 97.60% हो गई है। केरल से आने वाली यात्रियों की एयरपोर्ट स्टेशन पर होगी कोरोना जांच, विशेष जांच दल तैनात। केरला से लेकर केरल पटना और बिहार के अन्य शहरों में आने वाले रेल यात्रियों की जांच की जाएगी, साथ ही जांच स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर की जाएगी। इसके लिए विशेष जांच कैंप कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है तैनात। यह जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर विभाग सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस विभाग के दिशा निर्देश पटना जंक्शन दानापुर स्टेशन पर केवल से लेकर यात्रियों की जांच होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर जांच की जाएगी या जांच एंटीजन किट से की जाएगी। यात्री जांच से बच जाएंगे, जिसके बाद 3 से समय सीमा के अंतर से NTPCR की जांच की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जांच में पॉजिटिव पाया जाए तो आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए नया पोर्टल लॉन्च जारी। राशि मिलने में अब नहीं होगी देर। पोर्टल मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल के साथ ही www.pmslines.bih के साथ nic.in का शुभारंभ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को सचिवालय में किया। इससे छात्र छात्राओं को वैसी परेशानियों का समाधान हो जाएगा, इसकी वजह से लाभ पहुंचाने में देरी हो रही है। शिक्षा विभाग ने NIC और कल्याण विभाग समन्वय स्थापित कर पोर्टल को जो बनाया गया। अब तक की योजना भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के माध्यम से संचालित की जा रही, जिसमें स्कॉलरशिप के भुगतान में देरी हो रही थी। इसी जटिल प्रक्रिया को आसान करने के लिए नया पोर्टल लगाया गया है। शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी करने वालों के बारे में बताए। शिक्षा नियोजन पर उठे कई सवालों पर जवाब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, इन्होंने साथ ही शिक्षक नियोजन का नया चयन तभी शुरू होगा जब पहले के छपा हुआ छठा चयन पूरा हो जाएगा। इन्होंने यह भी कहा, शिक्षा नियोजन का चयन पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियोजन से बची वैकेंसी की समीक्षा विभाग कर रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जांच की रिक्तियां बच जाएगी, उसे भी योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। किसी को धैर्य खोने की जरूरत नहीं, सरकार का कमिटमेंट अपनी जगह है। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम लोग दिन रात फर्जी लोगों को पकड़ने के लिए बैठे। सरकार तक गड़बड़ी करने वाले के बारे में सूचना पहुंचाए, उचित कार्रवाई सरकार करेगी। JDU ऑफिस के बाहर न्याय की आस में बैठी महिलाएं मोतिहारी में 135 करोड़ की हुई थी ठगी। पटना के JDU कार्यालय के बाहर सड़क पर बीते 24 से 48 घंटे करीब 100 से अधिक महिलाएं बैठी है। मोतिहारी जिले में आई ये महिलाएं के पास, जिसमें नाम से 135 करोड़ की ठगी का मामला सामने है। मदर टेरेसा विक्टर फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पर हुई इस ठगी का मुख्य आरोपी जेल में है, लेकिन फाइनेंस कंपनी के लोग इनके घर पर चढ़कर पैसा मांग रहे हैं। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। इनका कहना है कि अब हम लोग घर में नहीं जानते, क्योंकि घर
गई तो पहले फाइनेंस कंपनी के लोग परेशान कर उनका कहना है कि अरे भाई निर्भय की संपत्ति नीलाम कर फाइनेंस कंपनी को पैसा चुकाया जाए, इसमें फाइनेंस कंपनियों की तरफ से हम लोग बाहर निकल सके। भास्कर ने मधुबन थाना में भी बात की कि अधिकारी ने माना कि महिलाओं को फाइनेंस कंपनी के लोग परेशान कर रहे हैं। सिवान में दाहा नदी पुल अब पैदल यात्रियों के लिए भी बंद कर दिया गया। सिवान में दाहा नदी पुल अब पैदल यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। जो यहाँ सिवान जाने वाले लोगों को अब पटना का उत्तर प्रदेश की तरफ से रास्ता पकड़ना होगा। यूपी गोपालगंज सहित तमाम जिलों में ये परेशान सिवान आएंगे और साथ ही इसमें हाई स्ट्रीट के साथ दरोगा राय कॉलेज होते हुए सिवान स्टेशन का रास्ता चुनना होगा। पुल के स्नैम में आई दरार के साथ लोगों विशेषज्ञों की टीम ने जांच की है। जांच रिपोर्ट के अनुसार सिवान डीएम ने भी आदेश जारी कर दिया। तकनीकी टीम ने इसे तत्काल रूप से पूरी तरह से बंद करने की सलाह दी है। पुल बंद होने शहर में भाग को दो भागों में बांट दिया गया। आधी आबादी का जिला मुख्यालय कोर्ट व मुख्यालय से लेकर मुख्य बाजार संपर्क टूट गया है। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय के बहुत सारे कार्यालय और अधिकारियों के निवास भी दाहा नदी पुल के उस पार है। ऐसे में उन्हें कार्यालय जाने के लिए बाईपास होकर 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। पटना जंक्शन पर 11,000 की शराब बरामद। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के आईजी एस मयंक के निर्देश पर पटना जंक्शन अवैध शराब तस्करी एवं लवारिश वस्तुओं के लिए विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जंक्शन के आरपीएफ निरीक्षण प्रभारी वीके सिंह ने नेतृत्व शुक्रवार को चेकिंग के दौरान 02392 टाउन में शराब की बोतलें बरामद कर ली। आरपीएफ कर्मी की ओर से की जा रही चेकिंग के दौरान लवारिश अवस्था में 158 के साथ ही बोतल रॉयल ग्रीन शराब की बरामद करी। इसी अनुमानित कीमत करीब 11,000 रुपए है। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि शराब को जब्त कि उन्हें अग्रिम कार्रवाई हेतु जीआरपी को दे दिया गया है। गंदक खतरे के निशान पर बार बराज के 36 फाटक उठाए गए। एसएसबी के बीओपी में घुसा पानी सम्भवर्ती के साथ नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति और भयावह होती जा रही है। गंदक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखे जा रहे। शुक्रवार को सुबह वाल्मीकि नगर गंदक बराज का दृश्य 4 लाख क्यूसेक को पार करने जाने के साथ ही गंदक नदी खतरे के निशान पर पार होगी। इसे चलते वाल्मीकि नगर के गराज बंदक पर भी लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए वाल्मीकि नगर स्थित ऐतिहासिक गंदक बराज में कुल 36 वाटक उठा दिए गए। तभी से लेकर जलस्तर बढ़ने का और गेटों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का सवाल खड़ा न हो। इधर नदी में जलस्तर बढ़ोतरी या सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के सोगरी से साथ समेत कई दो दर्शन से अधिक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गंडक बराज के साथ ही कार्यपालक अभियंता जमीन अहमद ने भी बताया कि फिलहाल गंदक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। गंदक बाजार का डिजाइन डिस्चार्ज क्षमता के मुताबिक अधिकतम 8.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो सकता है। गृह विभाग ने मांगी सभी लंबित मुकदमों की सूची। गृह विभाग लंबित मामलों के जल्द निपटारे मुकदमों के साथ ही अपराधियों को कोर्ट में सजा दिलाने के लिए नियमित समीक्षा करेगा। गृह विभाग ने भी सचिव सेंथिल कुमार को इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जवाबदेही दे दी है। इसके साथ ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी प्रभारी गीति को शांत से हाईकोर्ट समेत अन्य न्यायालयों में लंबित विवाद के लिए अपडेट जारी कर दिया। इस स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि नियमित समीक्षा क्रम में विभाग के साथ ही कोई भी मामला लंबित ना रहे। इसके प्रकाश पदाधिकारी को अपनी अपनी शाखा समेत न्यायालयिक मामले अवादों के अपडेट सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया है। कोविड टेस्ट के दौरान चोर फरार, एक दिन बाद भी चोर ने पुलिस को दिया चकमा। सिवान सदर अस्पताल शुक्रवार को मौजूद बढ़िया थाना के पुलिस कर्मी के होश तब उड़ गए जब कोरोना टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आया गया चोर फरार हो गया। चोर को पुलिस ने गुरुवार को बंधक बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। चोर हथकड़ी और रस्सी लेकर भाग निकला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बड़गड़ा थाना पुलिस ने बड़गड़ा थाना से लेकर बाइक चोरी करते 26 अगस्त को अजीत कुमार गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को 3 पुलिसकर्मी टेम्पो से अजीत को लेकर सिवान सदर अस्पताल पहुंचे जहां से लेकर अजीत का कोरोना टेस्ट करवाना था। इसी बीच अजीत हथकड़ी लेकर फरार हो गया। यास तूफान से बर्बाद हुई फसल की भरपाई करेगी सरकार। बिहार में मई के अंतिम सप्ताह में आई यास तूफान के जिन किसानों की फसल बर्बाद होगी सरकार उसे क्षतिपूर्ति करने जा रही। यहां 16 जिलों के 102 प्रखंडों के साथ 1304 प्रसारित के साथ ही किसान क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान राशि का अनुयोजन योजना का लाभ लाने के लिए 12 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैत और गैर रैत किसानों को दिया जाएगा। दोनों तरफ से किसानों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा जिसके क्षतिपूर्ति के रूप में न्यूनतम 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अनसंचित क्षेत्र फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये, चिंचित के साथ ही क्षेत्र के लिए 1,300-1,500, शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। डीएल और आरसी गुम हो जाए तो टेंशन ना ले, पार्टिकुलर पाकर अब बनाए अपना काम आसान। ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी के ऑनर बुक का पार्टिकुलर लेने के लिए वाहन मालिकों को अब शुल्क देना होगा। जी हाँ, इसे आरसी के लिए 200 रुपये, डीएल के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इतना ही आवेदन को लेकर कारण बताते हुए आवेदन करना होगा। स्वीकृत मिलने के बाद ही चालान कटाए जाएंगे। इसके बाद उन्हें उपलब्ध होगा कि साथ ही विभाग के पास से इस रिकॉर्ड रहेगा डीएल और आरसी का पार्टिकुलर कितनी बार व किस कारण से निकाला गया है। दूर होगी जमीन मापी की परेशानी। सितंबर में 1800 सर्वे अमीनों की बदहाली।
बहाली होती है। राजस्व भूमि सुधार विभाग अपने सर्वे अमीनों के लिए खाली पदों से तमाम नियुक्ति कर लेगा। इसकी प्रक्रिया तेजी से पूरी कर ली जा रही है। राजस्व भूमि सुधार गृह मंत्री मंत्री रामचंद्र कुमार और अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी। विभाग को 1800 पदों को लेकर अब यह बहाली करनी है। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कर्मियों को कमी से लेकर विभाग जूझ रहा है, लेकिन अगले कुछ महीनों में 4000 से अधिक कर्मचारी, 1764 नियमित अमीन और 564 राजस्व अधिकारी बहाली पूरी कर ली जाएगी। 2000 के करीब विशेष संरक्षण कर्मी अमीन लिपिक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की जल्द नियुक्ति होने जा रही है। इसे चयन पुराने पैनल के आधार पर होगा। सुपौल में बिजली विभाग ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, अब नहीं होगी परेशानी। कोसी प्रमंडल के तीनों जिलों सुपौल, हरसा, मधुपुरा के साथ ही विद्युत अभियंतों की बैठक विद्युत अधिग्रहण अभियंता अजय कुमार सरहादे के साथ अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में तीनों जिलों के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ विद्युत विपत्र संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन विचार विमर्श करा। इसके लिए विद्युत आपूर्ति अंचल सहरसा अंतर्गत आने वाले विद्युत उपभोक्ता की शिकायत निष्पादन को लेकर विद्युत विपत्र सुधार कोषांग का गठन कर केंद्रीकृत व्हाट्सएप नंबर 6287742471 जारी किया गया। बैठक को संबोधित करते विद्युत अधीक्षक अभियंता ने कहा कि इस व्हाट्सएप नंबर पर तीनों जिले के विद्युत उपभोक्ता विद्युत विपत्र संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस निर्धारित समय से लेकर अंतर्गत शिकायतों का निराकरण उपभोक्ता को व्हाट्सएप के माध्यम सूचित किया जाएगा। शिकायतों का समय से निष्पादन को लेकर कार्यपालक अभियंता अनंत कुमार को मंडल पदाधिकारी मनोनीत किया गया है। तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव ने आरजेडी छोड़कर पारस की एलजेपी ज्वाइन की। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के करीबी छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव लोजपा में शामिल हो गए। जी हां, शुक्रवार केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आकाश को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान एलजेपी के साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने मौजूद किया। आकाश यादव के लोजपा ज्वाइन करने के कोई मतलब निकाले जा रहे हैं। लोजपा पारस गुट पर नीतीश कुमार भाजपा का प्रभाव माना जाता है। पटना, मुजफ्फरपुर, पुरिया, दरभंगा, गया में रात 2 बजे तक सिटी बस सर्विस। बिहार के बाहर आकर रह चुके लोगों के साथ यह सोचते हैं कि गृह राज्य के शहर रात 7-10 बजे से लेकर शाम शांत हो जाते हैं, इसलिए अक्सर लोग ट्रेन और फ्लाइट पर टिकट इस हिसाब से बुकिंग करते हैं कि शाम होते ही अपने ठिकाने पर पहुंच जाए। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में रात 2 बजे सिटी बस सर्विस सेवा शुरू की जाएगी। इससे यात्रियों काफी हद तक निजी वाहनों के मनमानी किराए से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यात्री विवेकिंग के साथ बेफिक्र होकर रात में यात्रा कर पाएंगे। फिलहाल पटना समेत तमाम शहरों में 10 बजे तक सिटी बस सेवा संचालित होती है। पश्चिम चंपारण में अपने स्कूल की दुर्दशा देखकर पर्यटन मंत्री आहत अफसरों को लगाए फोन। जिले के नौतल प्रखंड अवस्थित उत्क्रमित उच्चतर के साथ माध्यमिक विद्यालय कुचली है, जहां से प्राइमरी स्कूल हुआ था। अब उस वक्त इस स्कूल में सुबह के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने शिक्षा ग्रहण कर लिया। स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था जिले में चर्चित है। इसी स्कूल में पूर्व सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने शिक्षा ग्रहण की थी। अभी स्कूल्स के हालत ऐसे हैं जहाँ पढ़ने जाने में बच्चे डरते हैं। अभिभावक भी अपना बच्चों को लेकर स्कूल नहीं भेजना चाहते, खासकर बरसात के सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भवन की हालत अत्यंत जर्जर हो चुकी है। भवन की गिरने की संभावना रहती है। शिक्षक किसी तरह से आते हैं और अपने ड्यूटी बचाकर चले जाते हैं। विद्यालय भवन की जर्जर हालत को देखकर मंत्री नारायण प्रसाद का दर्द छलका है, जिन्होंने अधिकारी को फोन कर विद्यालय की व्यवस्था को निरीक्षण करने और जर्जर भवन का जीर्णोद्धार करने का निर्देश जारी किया है। 12 सितंबर को जुमई में होगी बीसी आम सभा की बैठक। 12 सितंबर 2021 को बीसी की वार्षिक आम सभा की बैठक जुमई के होटल जैक्सन ब्रिज में भी सुबह 11 बजे को होगी। इसकी सूचना सभी सदस्यों को दे दी गई है। बिहार क्रिकेट संघ के जिला संघों के प्रतिनिधि सह कार्यकारी सचिव संजय कुमार ने भी बताया कि इस वर्ष बीसी के सामान्य विकास के साथ ही वार्षिक आम सभा की बैठक 12 सितंबर 2021 को जुमई में होगी। इसे सदन की ओर से सदस्य को व्यक्तिगत रूप से वेगिनार के साथ ही माध्यम से परिस्थितियों के अनुरूप उपस्थिति होने की अनिवार्य बताया जा रहा है। इन्होंने सूचना बीसीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जबकि सभी ग्राहकों के साथ जिला संगठन के साथ इस पदाधिकारी को बीसीए ईजीएम की बैठक संबंधित सूचना ईमेल और दूरभाष के माध्यम से दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस ईजीएम के साथ निबंधित महत्वपूर्ण एजेंटों पर चर्चा निर्णय लिए जाने हैं। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में बढ़ेगी सुविधा। डीसीआरएम सहरसा पूरी मध्य रेल के अपर मध्य से लेकर रेल प्रबंधक जेके सिंह ने शुक्रवार को सहरसा स्टेशन निरीक्षण के अनुरीक्षण के दौरान रेल पथों सेफ्टी के जुड़े जानकारी से लेकर स्थानीय जायजा लिया। सहरसा स्टेशन के समीप सर्वाचाला के पास लगे असिस्टेंट रिलीफ ट्रेन का गहन रूप से निरीक्षण कर असिस्टेंट रिलीफ ट्रेन में और सुविधा बढ़ाए जाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि पहले 3 कोच था, जब अब 6 कोच लगेंगे, इसमें सारी सुविधा उपलब्ध करेगी। एसडीआरएम ने सहरसा के साथ ही सहरसा स्टेशन पर करीब 4 से 5 घंटे निरीक्षण किया। इन्होंने विजिट पीट एशिस रेल लाइन टावर वैगन एआरटी कर्मियों से कार्यों के विस्तृत जानकारी ली। पूर्व रेल
समस्तीपुर मंडल के DRM सहित अन्य प्रमंडल अधिकारियों के निरीक्षण को लेकर हर जगह करने से लेकर साफ सफाई की गई, साथ ही टिकट काउंटर सहित हर जगह साफ सफाई दिखाया। मुख्य द्वार सर्कुलेटिंग एरिया भी साफ रहा। उल्लेखनीय है कि इस विषय पूर्व मध्य रेल के प्रबंधक द्वारा निरीक्षण किया गया, इसे लेकर पहले से ही मंडल के रेल अधिकारियों के द्वारा बारी बारी से हर विभाग का निरीक्षण किया जा रहा है। भारी बारिश के आसार 4 दिनों तक रहेगा, ऐसा ही मौसम विभाग में मानसून के सक्रियता से लेकर बिहार में बारिश लगातार जारी है। साथ ही पटना और आसपास के इलाकों में गुरुवार को रुक रुक कर बारिश हुई है। ऐसी स्थिति पूरे राज्य में अगले 4 से 10 दिनों तक बने की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी की गई है। मौसम विज्ञान से लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमालय के तराई से लेकर मानसून का होकर गुजरना उत्तर बिहार के कई स्थानों भारी बारिश के ओर संकेत कर रहा है। इसमें प्रभाव से पूर्वी पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, अहरसा, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष भागों में एक गर्जन बिजली चमकने व हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? 45 की उम्र के बाद हमारे शरीर में कई तरह के परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। सबसे अधिक असर स्किन सेहत और क्षमता पर पड़ता है, जैसे बाल पतले होने लगते हैं, दांतों में खराबी, हड्डियों में कमजोरी, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी, मेटाबॉलिज्म धीमे हो जाना, हृदय का कमजोर होना जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। महिलाओं में हमें मेनोपॉज कहा जाता है। शरीर में होने वाले इस निगेटिव बदलाव को पौष्टिक खान पान एक्सरसाइज की मदद से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए? हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट वेट एक्सरसाइज। वेट एक्सरसाइज हड्डियों के लिए बेस्ट होता है। ये ग्रेविटी के विरुद्ध काम करने मजबूर करती है, हड्डियाँ मजबूत करती। क्या करना चाहिए? डिनर के बाद 15 मिनट जरूर टहलें। भले ही आप अधिक एक्सरसाइज ना करें, लेकिन डिनर के बाद 15 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म सुधरेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जैसे हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है फरहान अंसारी, सबा नाजीर और कन्हैया कुमार, कोमल चौधरी। आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या राज्य गृह विभाग लंबित मामलों के जल्द निपटाने और अपराधी को कोर्ट में सजा दिलाने की दिशा में अच्छा कार्य कर रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।